एक्चुअली ये मैटर एसएससी से रिलेटेड मैटर है और ये 13 तारीख को लगा था ये मैटर और आज 20 अप्रैल को ये कोर्ट नंबर 7 में आइटम नंबर 12 लगा हुआ था। मैंने पूरे जो स्टूडेंट हैं एसएससी में जो एग्जामिनेशन में टायर टू में जो बैठे थे उन स्टूडेंट की तरफ से मैंने ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन 3 रिट पिटीशन डाली थी और आज लास्ट डेट ऑफ कोर्ट लास्ट डेट ऑफ हियरिंग में कोर्ट ने बोला था कि आप जजेस का नाम सजेस्ट करिए। तो मैंने आज दो जजेस का नाम कोर्ट नंबर 7 में दिया था, जस्टिस जी एस सिंघवी सर का और जस्टिस अनिल धवे सर का। तो कोर्ट ने दोनों जजेस का नाम कंसिडर कर दिया है और आज एक दो जजेस की कमेटी बिठा दी है और उस कमेटी को जो है कोर्ट ने टाइम दिया है कि वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट तैयार करेगी। जो हमने जो है सीडी प्रोड्यूस करी है एसएससी के केस में सुप्रीम कोर्ट में, उस सीडी को देखेगी और जो भी सीसीटीवी फुटेज देखेगी और जो भी इरेगुलरिटी हुई है, जो भी करप्शन हुआ है, उस करप्शन को सारा देखेगी, एग्जामिन करेगी। ये दो जजेस की कमेटी, सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जजेस की दो कमेटी उसको एग्जामिन करेगी। उसके बाद कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट 5 मई तक कोर्ट में सबमिट करेगी और 5 मई को सुप्रीम कोर्ट में ये जब रिपोर्ट सबमिट होगी, अगर ये रिपोर्ट में कुछ भी इरेगुलरिटी पाई गई तो हमने कोर्ट को प्रे किया है और कि पूरे के पूरे एसएससी के एग्जाम को टायर 1 टायर 2 टायर 3 के एग्जाम को ही कैंसिल कर दिया जाए। और बल्कि आज कोर्ट ने ये बोला कि हम अभी तक ये जो कमेटी है इसका कोई असर नहीं पड़ेगा एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन होगा लेकिन हमने कोर्ट को प्रे किया कि अगर ये कमेटी की रिपोर्ट अगर नेगेटिव आई और करप्शन हुआ और अगर वो सीसीटीवी फुटेज गड़बड़ हुई, क्योंकि पहली बार एसएससी ने ऑनलाइन ये एग्ज़ाम कराया था, पूरे एग्ज़ाम में इरेगुलरिटी हुई है और जो भी और एक बार ऑलरेडी एग्ज़ाम में जो इरेगुलरिटी हुई है इन्होंने दोबारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर में, तो इट मीन्स समथिंग इज़ रॉन्ग इन देयर पार्ट इन एसएससी पार्ट। तो ये आज हमने कोर्ट में बोला है तो कोर्ट ने कमेटी आज गठित कर दी है, दो जजेस की कमेटी, जस्टिस सिंघवी कमेटी, जस्टिस सिंघवी और जस्टिस अनिल धवे की कमेटी गठित कर दी है और 15 मई तक वो रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल कोर्ट को देगी और फिर उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगी। अगर इरेगुलरिटी हुई तो कोर्ट को लगा कि समथिंग इज रॉन्ग इन द होल प्रोसेस ऑफ द एग्जामिनेशन, देन पूरा एग्जामिनेशन ही कैंसिल किया जाएगा। यही मैटर था। मेरा नाम मनोज गौरखेला, मैंने स्टूडेंट का लॉयर हूं, मैंने 3 रिट पिटीशन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल करी थी, यही इशू था। थैंक यू सर।